हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विपुल वी लॉग में। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं गुरुद्वारा रीठा साहिब, जो कि स्थित है चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। जो भी उद्धम सिंह नगर श्री नानक माता गुरुद्वारे आते हैं वो रीठा साहिब का ट्रिप बना सकते हैं। और ख़ास तौर पे बात याद रखें, अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध रीठा साहिब गुरुद्वारा मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, जहाँ गुरु नानक जी ने रीठे को मीठा किया था। तो आइए लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच गया हूं रीठा साहिब गुरुद्वारा साहिब श्री, और मैं आपको लेके चलता हूं ठीक गुरुद्वारे के मुख्य द्वार पे हूं। और मैं दिखाता हूं आपको गुरुद्वारा, सिखों का बहुत ही माना हुआ तीर्थ स्थल रीठा साहिब। इस समय मैं आपको ये गुरुद्वारा घुमा रहा हूं, और लोहाघाट से करीब 60 किलोमीटर, और भवाली से भी पड़ता है, हल्द्वानी से भी रास्ता भवाली के लिए जो नैनीताल से भीमताल होते हुए भी जो कटता है वहाँ से भी पड़ता है। यहाँ की बहुत ही गुरु नानक जी की बड़ी दिव्य दृष्टि रही है इस स्थान पे, और अनेकों कथाएं हैं यहाँ से जुड़ी, जिनमें से सबसे प्रमुख है यहाँ पे रीठा साहिब। इसका नाम इसलिए पड़ा था कि गुरु नानक जी ने यहाँ पे जो रीठा साहिब के नीचे बैठ के पूजा करी थी, उसमें जो यहाँ के रीठे आते हैं उस आधे पेड़ पे रीठे मीठे और आधे पे जैसे रीठे कड़वे होते हैं वैसे पता है, लेकिन आधे पेड़ पे मीठे रीठे आते हैं तो वो है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ साहिब के अंदर और दिखाता हूँ। गुरुद्वारे में घुसते ही लगी है गुरु नानक देव की बहुत बड़ी मूर्ति, जो कि दर्शाता है गुरु नानक देव पेड़ के नीचे बैठे थे और उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे अपने चमत्कारी चीज़ों को दिखाया। आइए लेके चलता हूँ आपको गुरुद्वारे के अंदर। और ख़ास तौर पे जब आप रीठा साहिब प्लान कर रहे हो तो 2-3 बातों का आप बिल्कुल ध्यान रखें। अगर आप जिस भी व्हीकल से हैं, टूल किट हमेशा साथ रखिए, क्योंकि करीब 20 से 30 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वहाँ पर आपको कोई भी रिपेयरिंग सेंटर या इस टाइप की चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि जंगल है बीच में। और सेकंड चीज़, यहाँ पे आसपास होटल नहीं है, लेकिन गुरुद्वारे के ही बहुत सारे रूम्स हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, तो आप पहले से भी बुकिंग करा सकते हैं। फ़ोन नंबर अवेलेबल है ऑनलाइन, मैं शेयर कर दूँगा। और साथ ही साथ चारों तरफ का दृश्य जो है वो आपको बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन रीठा साहिब आप इतना लंबा अगर डिस्टेंस ट्रैवल करके आते हैं, जैसे नानक माता से टनकपुर है 40, और टनकपुर से रीठा साहिब की डिस्टेंस है करीब 80 किलोमीटर, तो अगर आप इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके आते हैं तो मैं आपको कहूँगा, अगर आप रीठा साहिब आ रहे हैं तो करीब 1 दिन का तो प्लान करके आइए कि आप 1 दिन यहाँ पे रुकें और गुरुद्वारे में सेवा करें और अच्छे से पाठ करें। और वो नहीं, मैं इस समय हूँ मेन गुरुद्वारा रीठा साहिब के अंदर और आपको दिखा रहा हूँ जिस पेड़ की हम बात करते हैं, जो रीठा जिस पे मीठे आते थे गुरु नानक देव जी जिसके नीचे बैठे थे, वो अब पेड़ सूख गया है, लेकिन उस पेड़ की लकड़ी को आज भी यहाँ पे वो देखिए, वो सामने वो उसमें रखा गया, मैं लेके चलूँगा आपको दिखाऊँगा इस वीडियो में आगे, तो वहाँ पे वो पेड़ की लकड़ी आज भी रखी हुई है। उस जगह पे दूसरा रीठा का पेड़ लगाया गया है, कहा जाता है आज भी उसमें मीठे रीठे आते हैं, और यहाँ पे प्रसाद के रूप में भी रीठों का वितरण होता है। यहाँ पे संगत लंगर 24 घंटे चलता रहता है, तो भोजन की कोई दिक्कत नहीं है, तीनों टाइम आप यहाँ पे भोजन कर सकते हैं और पाठ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शांत माहौल है यहाँ पे। तो दोस्तों, ये है वो पवित्र पेड़ जिसके नीचे श्री गुरु नानक महाराज जी बैठे थे और इस पेड़ को आशीर्वाद प्रदान किया, और इस पेड़ के रीठे मीठे हो गए। इस पेड़ को देखने के बाद ऐसा लगता है आप ब्लेस हो रहे हैं, साक्षात गुरु नानक देव जी का जिस तरीके से इस पेड़ पे आशीर्वाद मिला वैसे आपको आशीर्वाद मिल रहा है। तो ये पेड़ आपको, इस पेड़ के दर्शन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, आप कल्पना कर पाते हैं उस समय की। और ये गुरुद्वारा अपने आप में बहुत खास इसलिए है कि मैं बहुत सारे गुरुद्वारे गया, मैं दुबई के गुरुद्वारे गया, इंडिया में करीब
मैं बीसियों गुरुद्वारे मैंने दर्शन करे, लेकिन ये जिस जगह पे बना है वो जगह अपने आप में बहुत खास, पहाड़ों के बीच एक पास में से नदी जाती हुई, अनेक छोटे छोटे घर परिवार, और बीच में बना है ये पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरुद्वारा रीठा साहिब। तो दोस्तों, इस जगह पे आके आप इसके ऐसा लगेगा आप स्वर्ग में आ गए हैं। आइए लेके चलता हूँ इसके उस जगह पे जहाँ चलता है हमेशा लंगर, और लोग यहाँ पे इस पवित्र प्रसाद को खा के धन्य हो जाते हैं। हमने भी प्रसाद चखा, और वाकई मतलब आप अनेकों जगह जब जाते हैं, मेरे को तो मतलब इंडिविजुअली मैं कहूँ तो मतलब वहाँ गुरुद्वारे की दाल खा के ना अजीब सा मज़ा आ जाता है। सो लंगर उंगर खाने के बाद ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सब रूम यहाँ पे अवेलेबल हैं बने हुए, तो आप यहाँ पे रूम ले सकते हैं, रुक सकते हैं। अब मैं लेके चलता हूँ गुरुद्वारे के पीछे जहाँ पे बहती है ये पवित्र नदी, और लोग यहाँ पे करते हैं स्नान। और अभी तो मैं जिस समय आया हूँ यहाँ पे नदी का बहाव कम है, लेकिन बरसात के टाइम पे ये नदी बहुत ज़्यादा बहाव में होती है, तो उस समय ज़्यादा तो लोग नहीं नहा पाते, लेकिन इस समय बिल्कुल साफ़ नीट एंड क्लीन पानी है, और यहाँ पे लोग नहा के जाते हैं गुरुद्वारे के दर्शन करने। तो अपने आप में बहुत ख़ास है रीठा साहिब चंपावत, अपने आप में बहुत ही सुंदर जगह है। लोहाघाट से करीब 60 किलोमीटर, और टनकपुर से लोहाघाट से भी रास्ता आता है, नैनीताल से भवाली से भी होते हुए रास्ता आता है, तो रास्ते बहुत सारे आने के, तो आप सही रास्ता चुनिए, क्योंकि एक रास्ता जो है उससे रोड ख़राब है थोड़ी सी, लेकिन आप दोनों जगह से पहुंच सकते हैं। सो दोस्तों, मेरे पीछे भी रीठा का पेड़ है, और क्या कहते हैं, वैसे तो वो जिसमें गुरु नानक बाबा बैठे थे वो सूख गया, वो मैंने आपको अंदर दिखाया उस वीडियो में, और इसमें पूरे पेड़ पे रीठे लगे हुए हैं। सो आई होप आप यहाँ पे इंजॉय किए होंगे। अच्छा, एक बात और, जब भी आप यहाँ पे आइए रुकने के मकसद से आइएगा, यहाँ पे आपको रुकने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रूम प्रोवाइड किया जाता है, उसके लिए थोड़ी सी सिक्योरिटी मनी लगती है, लेकिन आप यहाँ पे आराम से रुक सकते हैं, और यहाँ पे दिन रात लंगर चल रहा होता है, तो भोजन भी आप खा सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, और जब भी आप यहाँ पे आइए बाबा का दर्शन कीजिए, और वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह के साथ मैं ये वीडियो अंत करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग विपुल वीलॉग।